राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में राजस्थान में लगातार बड़े चेहरों के दौरे भी हो रहे हैं और जब तक चुनाव की तारीख करीब नहीं आ जाती सभी अपने अपने स्तर से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ये कह सकते हैं कि दोनों ही दलों में तो डाल डाल में पात पात वाली रणनीति चल रही है। इस बीच खबर ये है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर में अपनी हाजिरी देने पहुंच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस दौरे पर प्रदेश भर के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने की भी तैयारी में जुटी है। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में संगठन को बड़ा मैसेज देने के लिए ही राहुल गांधी आने वाले हैं और राहुल गांधी आदिवासी बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में अपने दौरे को और जनसभा से पहले ही चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। उसके बाद हाल ही में प्रियंका गांधी ने भी टोंक के निवाई में जनसभा की। अब एक बार फिर से राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। पहले बहन आई और उसके बाद अब उनके भाई राहुल गांधी आ रहे हैं, जहां राजस्थानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राहुल गांधी की बड़ी जनसभा करने की तैयारी चल रही है। तो अब बता देते हैं कि ठीक 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर पहुंचने वाले हैं और 25 सितंबर के आसपास जनसभा भी उनका प्रस्तावित है। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं के लगातार हो चुके दौरों के बीच कांग्रेस में भी बड़े नेताओं के दौरों की लगातार राजस्थान में डिमांड आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय भवन के शिलान्यास के लिए राहुल गांधी जयपुर आने वाले हैं। जयपुर के मानसरोवर स्थित शिप्रा पथ पर ये नया कार्यालय बनने जा रहा है। बूथ सम्मेलन के साथ ही पीएससी भवन के शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने मानसरोवर के शिप्रा पथ पर हाउसिंग बोर्ड से नए भवन के लिए जमीन भी ले ली है। करीब डेढ़ महीने पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में इस कार्यक्रम की रणनीति बनाई थी और राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी शिलान्यास के लिए जयपुर आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन तब राहुल गांधी जयपुर नहीं आ सके थे। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय 6000 वर्ग मीटर जमीन पर बनाया जाएगा और इसमें अलग अलग स्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा अध्यक्ष समेत तमाम पीसीसी और विभागों के पदाधिकारी के कक्ष होने वाले हैं। मीडिया सेंटर भी बनाया जाएगा और इसके अलावा कांग्रेस के अलग अलग संगठनों के ब्लॉक भी बनाए जाने की तैयारी है। कांग्रेस सोशल मीडिया से लेकर रिसर्च टीम के ऑफिस और लाइब्रेरी समेत अन्य विशिष्ट रूम भी बनाने वाली है और इसमें ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा जिसमें कांग्रेस ज्वाइन करने वालों और समय समय पर पुराने कार्यकर्ताओं को स्पेसिफिक ट्रेनिंग और कांग्रेस की रीति नीति के साथ ट्रेनिंग दी जा सकेगी। और साथ ही राजस्थान में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की तैयारी है, ऐसी आशंकाएँ हैं और 14 दिसंबर तक नई सरकार चुनी जानी है, ऐसी भी आशंका है। चुनावी साल में चुनावी सभा के रूप में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और सम्मेलन में प्रदेश के 52,000 बूथ अध्यक्षों को बुलाया जाएगा। साथ ही साथ सभी पीसीसी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिलों के पदाधिकारी तक इसमें आने वाले हैं और करीब 60,000 से 70,000 लोगों की भीड़ जुटने वाली है। दौरे को लेकर ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक विश्लेषकों की अगर मानी जाए तो प्रदेश में राहुल गांधी के समर्थन में माहौल बनाने में कांग्रेस नेता कामयाब होते हैं अगर तो फिर इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में उनको मिलना तय है। चूंकि राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार देश के मूल मुद्दे उठाते रहे हैं और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में होने जो चुनाव हुए थे उसमें भी इसका कांग्रेस को फायदा मिला था और अब बारी है राजस्थान चुनाव की, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी अहम माना जा रहा है और इन सभी के मद्देनजर कांग्रेस भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेता तो हुए हैं ही और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी अब लगातार दौरे कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।